तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक बिल्कुल ही लेटेस्ट वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें एक व्लॉग भेजा है, एक वीडियो भेजा है। उन्होंने कहा है कि इसे आप देखें, मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होने वाला है। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि ऐसी वीडियोज आप लोग बहुत सारी भेजते रहते हो, लेकिन इसका थंबनेल देखकर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। ठीक है, इस वीडियो में हमें यह दिखाया जाएगा कि एक इंडियन व्लॉगर पाकिस्तान गए तो उनका एक्सपीरियंस क्या रहा वहां पर। ठीक है, कैसे लोग हैं, क्या उन्हें फेस करना पड़ा, अच्छी चीजें बुरी चीजें वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमें ये व्लॉग देखकर मुझे लगता है कि सभी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि काफी बड़ी लेंथ का वीडियो है तो कुछ तो दिखाने लायक होगा, तो उन्होंने दिखाया है। ठीक है, ये चीज मैं देखना चाहता था और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ज्यादा बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखो। और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है। आप लोग कहां से देख रहे हो इस वक्त ये वीडियो, पाकिस्तान से देख रहे हो और किस पार्ट से देख रहे हो पाकिस्तान में, वो चीज भी आप लोग जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में सही दिखाया जा रहा है, गलत दिखाया जा रहा है, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कुछ गलत है तो वो भी आप लोग पॉइंट आउट जरूर कीजिएगा। एक और बात, हमारा एक सेकंड चैनल भी है जिसमें हम म्यूजिक के रिलेटेड जितने भी नए ट्रैक्स आते हैं, पुराने ट्रैक्स हैं, जो भी बढ़िया ट्रैक्स हैं, उस पे हम उन पे रिएक्शन और रिव्यू वीडियोस अपलोड करते हैं। जाकर आप लोग उसे भी चेकआउट कर लें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अपने सेकंड चैनल का, उसे भी जाकर आप लोग जरूर प्यार दें, चेकआउट करें। फिलहाल सभी चीजों को साइड पर रखते हैं, इस वीडियो पर आते हैं, इसे देखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। मैं अपनी मजदूरी करता हूं, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूं आपको। मेहमान नवाज लोग हैं यहाँ के। अभी मैंने वो जो चाट खाया, मैंने वहाँ पे पैसे नहीं ले रहे थे, मैंने मुश्किल से दिए। और तो ये कितने का है ये भाई? okay. सरप्राइज में आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप मेहमान भी आए हुए हैं। एवरीवन यहां चेक अप फाइव स्टार का पार्क और वन सेकंड वेलकम बैक YouTube चैनल। एनर्जी एनर्जी से आपके चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं अभी पाकिस्तान गुजरांवाला में। गुजरांवाला पाकिस्तान की फिफ्थ लार्जेस्ट सिटी है, इसको पहलवानों का शहर भी बोला जाता है। तो आज मेरा फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा गुजरांवाला, सॉरी पाकिस्तान पंजाब का। एक्चुअल में ये पंजाब पीछे ट्रक देखो यार, कितनी डिफरेंट बॉडी लग रही है ना ट्रक की। क्या मेरा इंप्रेशन है, कैसे लोग क्या करते हैं, क्या खाते हैं, सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मजे की बात, मैं अकेला हूँ आज, मैंने किसी को नहीं साथ रखा। बहुत लोगों का डिफरेंट डिफरेंट माइंड रहता है पाकिस्तान को लेके, और मैं आज खुद अकेला रह के एक्सपीरियंस करूंगा। मैं भी आज पहली बार यार कुछ ऐसा देखने वाला हूं और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, इंस्टाग्राम पे जरूर जाके मेरे साथ बात कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इनके चैनल को चेक आउट कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। भाई पास जाओगे फूल दे थल्ले? स्पेशल जाना है? स्पेशल नहीं जाना, वो मंदिर साइड से जाओगे। हां उस पास है, चलो ठीक है जी, सही हो गया। सही हो गया ना, मेरे को भी आदत पड़ गई है। मैं आपको बता देता हूँ अपनी बात पे, जिस जगह पे भी जाता हूँ मुझे 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं लगते वो कल्चर अडॉप्ट करने में। अभी तो मैंने पाकिस्तान का ड्रेस भी पहन लिया और पूरा पाकिस्तानी भी दिख रहा हूँ। और दूसरा यहाँ की एक बात है, सही हो गया, मतलब जब आपको काम फिनिश हो जाता है तो बोलते हैं सही हो गया, ओके हो गया। तो अभी मैं ओके हो गया। और भैया क्या हाल चाल है आपका? जी ठीक ठाक, बढ़िया जी। मजे में मजे? हाँ जी, मजे खराब तो नहीं है? ना ना okay. मजे बड़े बड़े। आओ ना, अभी हमने कितने किलोमीटर का सफर किया होगा? 2-3 किलोमीटर? हाँ 3 किलोमीटर का सफर किया और 30 रुपए ले लिए रिक्शे वाले भाई ने। ओके ठीक है। और ये रिक्शा आप मोटरसाइकिल से बनाते हो ना? स्कूटर इससे, मोटरसाइकिल से बनाते? जी जी, कनेक्टेड है। चलो बढ़िया है भाई। लोकल लोकल चलने के लिए आप लोग ऐसे रिक्शा, पहले ये बाइक खरीदते हैं, फिर इसको खुद मैनुअली बनाते हैं, पीछे इसका लगाते हैं, ये आगे बाइक और पीछे बैठने की जगह। मैं ये चीज़ पहली बार आज देख रहा हूँ, ये बाइक के पीछे ही जोड़ के। तो भाई साहब मैं हूँ अभी पंजाब प्रोविंस में, शाहपुर बाज़ार ये है अंदर है शाहपुर। अभी मैं शाहपुर बाज़ार में पहुँच गया हूँ। मैंने सिम कार्ड लिया यहाँ पे, जोंग का सिम कार्ड लिया। यहाँ पे टेलीनार चलती है, जैज चलती है और कुछ भी सिम कार्ड भी चलते हैं, और भी नेटवर्क हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने जोंग का लिया और उससे मैंने रिचार्ज भी करवाया। 500 PKR पाकिस्तानी रुपीस 500 का मैंने रिचार्ज करवाया, जिसमें मुझे 60 GB इंटरनेट मिला, 60 GB इंटरनेट और उसके साथ जोंग टू जोंग फ्री कॉल है
और कुछ बाकी के अलग मिनट्स भी मिले जिससे मैं दूसरी वहां की सिम का नाम होगा नहीं तो फिलहाल सारे बोर्ड उर्दू में लिखे हुए नोटिस किया आपने गुजरा वालों को सिटी ऑफ रेसलर्स भी बोला जाता है पहलवानों का शहर भी बोला जाता है अभी मैं चल रहा था यहाँ पे पहलवान देख सकते हैं आप यहाँ पे फिर ऐसा ही है गुजरा वालों को पहलवानों का शहर भी बोला जाता है सर ऐसी बात है अच्छा आप यहाँ पे क्या सेल करते हैं कुछ दूध सेल करते हैं क्या सर हमारे पास देसी घी मक्खन और क्रीम होती है ओके आप लोग यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चर करते हैं ये हमारा खुद का काम है तकरीबन 50 साल हो गए हमें इस फील्ड में ओके घी कैसे देते हैं खुद क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 650 रुपए का किलो 1650 रुपए 800 रुपए किलो क्रीम देते हैं ओके 2 किलो क्रीम में से 1 किलो घी निकलता है उसी हिसाब से रेट ओके मैं इंडिया से आया हूँ आपका पाकिस्तान एक्सप्लोर करने इंडिया कश्मीर से हूँ तो आज ये कुछ एक्सप्रेशन नहीं दे रहा हूँ क्या कैसा है अच्छा लग रहा है ओके थैंक यू उसने कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिया अभी सुबह सुबह का टाइम है और शॉप्स वगैरह की ओपनिंग हो रही है सुबह इन द सेंस प्रॉपर सुबह नहीं है 10 बजे का टाइम है शॉप की सफाई वगैरह अस्सलाम वालेकुम भाई ओके फुटवेयर पाकिस्तानी जूती है आपके पास नहीं यही लगे हुए हैं यही है लड़कों की जूती नहीं है आपके पास क्या ये नहीं नहीं वो ऐसे वाली खुसे इनको क्या बोलते हैं ये इसको खुसा बोलते हैं इसको खुसा बोलते हैं खुसा ओके पहनाइए ना पाकिस्तानी जूती बोल रहे ये 2000 का पहनाइए मुझे आज ये मैं बहुत दूर से आया हूँ साइज है मेरा 8 नंबर ओके पाकिस्तान की ना जूती भी बड़ी फेमस होती है तो मैंने कहा चलो जूती पहन लेते हैं ये हुई ना बात यार भाई हर एक चीज ट्राई करना चाहते हैं पाकिस्तान की ये तो नहीं आएगी सही मायनों में एक्सप्लोर कर रहा हूँ आगे दुकान है मिल जाएगा आगे तो इससे बड़ी नहीं है नहीं। चलो कोई बात नहीं उस शॉप पे तो नहीं मिले थे यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ ये भी छोटी है 8 नंबर है मेरे को शू 8 नंबर आते हैं भाई के पैर बड़े हैं ना इसको यहाँ पे खुस्सा बोलते हैं खुस्सा इसका आगे वाला वो नहीं है जो इसका आगे का वो होता है नोक ये तो लड़कियों की लग रही है ना ये लड़कियों का नहीं है ये आगे जो वहां से नोक होती है वो नहीं है वो नॉर्मली तो कोई नहीं पहनता यार वो नॉर्मली पहन के कहाँ घूमेगा इंसान बस हाँ सिंपल ही ला दो अच्छी सी ला दो ना वो तो शादियों में पहनता है ना अच्छी सी ला दो सिंपल क्यों लगाओगे मुझे यार ये तो लड़की की लग रही है इसमें आगे से वो वाला है नहीं है हाँ इस तरह का ला दो अच्छे अच्छा वो ऐसे ही ढूंढ रहे सिंपल क्यों लाओगे अच्छा लाओ बढ़िया लाओ मैं आपका गेस्ट हूँ बहुत दूर से आया हुआ राइट लेफ्ट कुछ नहीं होता इसमें ये परफेक्ट है ये मेरे को पसंद होता है जो जूती के ऊपर ये होती है ना लोग तो ये कितने का है ये भाई जी मुनासिब प्राइस में आपको मिल जाएगा क्योंकि आप मेहमान भी आए हुए हैं ये भाई आपको हम देंगे 1350 आपको पता है मैं कहाँ से हूँ जी आपने बताया अभी आप विजिटर हैं और कश्मीर इंडिया से आए हैं हाँ मैं इंडिया कश्मीर से आया हूँ कश्मीर से आए यार अपना ही भाई है आपके लिए इतना मुनासिब सामने बताया वैसे हम 1700-1800 प्राइस करते हैं ओके तो मेरे लिए आपके लिए 1350-1300 बल्कि पूरा हो जाएगा अच्छा अच्छा चलो बहुत बहुत शुक्रिया जी बहुत बहुत आप इसमें घाटा ना खाएं जितना आपको फायदा हो रहा है आपको मुनासिब कर दिया मैंने आप अपने तरीके से इसको कर लिया तो ये है जी दूसरा भी लगा दे मुझे मैं अभी पहनूंगा लेके प्यारे लोग लग रहे हैं नहीं अच्छा तो इसको बोलते हैं खुसा इसका यही पहन के घूमेंगे भाई से कहां की जूती है ये कहां की इधर ही की है लाहौर की है ये ना महाजाबाद में मेकिंग में काम होता है वैसे वो पूरे पाकिस्तान में इसके कारखाने बने हुए हैं लेकिन फेमस अरे सर का गेटअप देखो यार प्योर लेदर शीट भी होती है क्या खतरनाक लग रहा है नहीं अच्छा प्योर की कॉस्ट ज्यादा होती है अच्छा अच्छा ऐसी चीज ये भी अच्छी है चलो ठीक है जी
आप ये मुझे एक बैग दे दें जिसमें मैं अपने शूज डाल दूंगा। अभी मैंने ये खुद से तो लिए, हम इसको जूती बोलते हैं वहाँ पे, सही हो गया। और भाई ने जाने ही नहीं दिया, जब इनको पता चला कि मैं इंडिया कश्मीर से हूँ तो इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, बोला नहीं जूस पी के ही जाना। तो ये मौसमी जूस है ना जी? अरे बहुत बढ़िया है, लोगों की मोहब्बत एक्चुअली। बस उस लाइन ने उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत, इधर आना जाना मुश्किल हो जाता है, पर लोग जो है ना जो कहीं के भी गलत नहीं होते हैं, हर जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं और हर जगह पे बुरे लोग भी होते हैं। चलिए अब जूस को एंजॉय करते हैं। ये क्या बीत रहे हो? डाई कर रहे हैं। इनको टोटे बोलते हैं, टोटे दुपट्टे। टोटे इसका क्या यूज होता है यार? टोटे ओके, सिर्फ 100 रुपए का है ये तो सस्ते है। सर आप क्या दे रहे हैं, ये क्या है? चने चावल। चने चावल खाना दे रहे हो? खाना खाना खिलाओ ना मुझे भी। कितना खाना दोगे? अरे थोड़ा सा खाना है, कोई बात नहीं, जितना चाहे खाना। कितने की प्लेट है ये? 150। 150 की, कोई बात नहीं दे दो। कितने कम खाने ने? ज्यादा कम खाने हैं, सिंगल दे दो। हाँ थोड़े से दे दो। ओके चावल और चने। ओके ओके सर थैंक यू। मैं इधर खड़े होके खा लो, इधर चाय खा लो। ओके ये लिया मैंने, जहाँ मन करे बता देता हूँ। गुजरांवाला पहलवानों का शहर तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ के खाने बहुत फेमस हैं। गुजरांवाला में कभी भी आए आपको खाने कभी मिस मत कीजिएगा, ऐसे स्ट्रीट में या आगे पीछे आपको खाने मिलते रहेंगे। तो फिलहाल मैंने ये लिया, क्या नाम है इसका खाने का? इस खाने चने चावल। चने चावल इसका तो मैं भी सुनना चाहूँगा कैसा टेस्ट होगा। बढ़िया है, वैसे यार खाना तो खाने के बारे में यार जज नहीं करना चाहिए। कितने का ये खाना? तो आप दिन में नियामत है ऊपर वाले की तरफ से। थोड़ा सा ही पकाते हैं, थोड़ा सा पकाते हो? 2-2.5 किलो। 2-2.5 किलो तो कितनी सेल हो जाती है? 3-4 हज़ार हो जाती है। 3-4 हज़ार हो जाती है। चलो कोई ना, आप मेहनत करते हो, अच्छा करते हो। लो आज आप मेरे से 1000 ले लो, ये रख लो आप। आप काम कर रहे हैं, आपका खाना मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको ये दे रहा हूँ, कोई नहीं हैप्पी। नहीं सर बढ़िया आदमी था। स्वीट्स मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने पिछले दिन उसे बंद करके रखी थी, कहीं ज़्यादा शुगर ना हो जाए मुझे। तो आज भाई सब कुछ ट्राई करेंगे, जूती भी, स्वीट्स भी, खुस्सा भी। बंद कर दिया था पिछले दिनों। भैया ये चाहिए, थोड़ा सा चाहिए मुझे, 100 का दे दीजिए। हाँ मेरे को मिठाई बहुत पसंद है, आपको पसंद है तो ज़रूर बताइए। बहुत ही अलग लग रहा है, क्या मिठाई है यार ये? आपको जैसे अच्छा लगता है, मुझे नहीं आइडिया है इसका। मिक्स आता है क्या ये? 100 मिक्स आएगा? 100 की दे रहे हैं ना? 100 की आगे बता कर लो। 100 अरे 100 का इतना 100 की ये 500 की किलो है। 500 की किलो है। 50 ग्राम नहीं, कितना? 100 एक मिनट, ग्राम तो 200 ग्राम 200 ग्राम नाइस। ओ ये तो बहुत ज्यादा होगी। ज्यादा हो गया भाई ने सिर्फ टेस्ट करने के लिए मांगा था। ये क्या कर रहे हो? कावा बनाया हुआ है? नहीं। है? बच्चा देख रहा है क्या कर रहा है? कैमरे इसको क्या करना है आपने? ये क्या है इसमें? क्या इसमें क्या है? बिल्डिंग कुछ है। नहीं है कुछ नहीं है। अच्छा इसको ठीक करवाने जा रहे हो? जी बच्चे भी मेरे साथ थप्पड़ मार रहे हैं बच्चे को। पहले बोलते कावा है,
क्यों झूठ बोल रहे थे? वैसे सबको तंग कर रहा था पागल। मेरे को तो मिठाई 100 की बहुत ज्यादा मिली थी, नहीं खा पाऊंगा, बच्चों को दे देता हूँ, ये लो मिठाई खाओ, झूठ नहीं बोलना आप, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? बढ़िया है। ये क्या है? ये बकरे का सिर है। वो क्या होता है? बकरे जैसा होता है क्या? अलग होता है? ले लेके। ओके। शीप के भाई, शीप के। ओके। शीप, हाँ। तो ये कैसे बेचते हो आप? काट। फीडिंग ना करो। आओ। यूट्यूबर। यूट्यूबर। 300 रुपए किलो। अंकल जी व्यूअर है यूट्यूब के। अच्छा है। ये तो आप कराटे खेल रहे हो, दिखाना जरा कैसे कैसे कर रहे थे। सही है, सही हो गया जी। कह रहे शहर तो कैसे शहर? और ये ट्रिक देखो यार, इंडिया कश्मीर से। वो कैसे कर रहा है भाई? तो क्या खाए? बस बस कुछ नहीं बस। तो ये है भाई लेले के, लेला होते हैं लाइक शेप। 300 रुपए का किलो देते हैं। ये इतने साफ कैसे लग रहे हैं? ओके हो गया जी। गर्म पानी में डाले होंगे मेरे हिसाब से। कितना खाऊंगा दोस्त, लेकिन देख के ये ऐसी चीजें देख के रुका भी नहीं जाते हैं। जबरदस्त क्या चीज है? कुतरावाला पता नहीं, ऐसी चीज है ना जो मैंने देखी नहीं है कभी। भाई क्या नाम है इसका? कौन सा चाट है ये? फरीनी। मुझे फरीनी है, क्रीम चाट है ये। और ये क्रीम चाट। आप ऐसा करें मेरे को थोड़ा सा दे दें यार, कम से कम दे दें। थोड़ा थोड़ा करके भाई, बहुत ज्यादा खा रहा है। 100 रुपए का दे दीजिए, लेकिन उसमें भी कम डालिए आप। 100 रुपये रख लीजिएगा, ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ मैं। इसमें दे दीजिए, इसमें क्या ले? वही टेस्ट करना है मुझे। ये बहुत है, बहुत 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 है क्या ये? मीठी चीज़ है कुछ, है ना? मीठी चीज़ है क्या? इसका कौन सा चाट बोला है बताया आपने? क्रीम चाट है ये। किस किस का बनता है ये? क्रीम चाट मिक्स होता है इसमें। सही हो गया जी, दूध का बना हुआ है पूरा। बैठ लूं? अच्छा बैठने की जगह। सही हो गया, इन्होंने इन्होंने एक बात पकड़ ली है। सही हो गया, बैठने की जगह भी मिल गई। थोड़ा चल चल के थक गया। शाहपुर से कौन कौन देख रहा है मुझे? शाहपुर से जो भी देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके शहर में आया हूँ, स्वागत नहीं करोगे हमारा? सही हो गया। मेरे चैनल का नाम गफार मुसाफिर है भाई, इंडिया से। निकाल लिया भाई ने मोबाइल, निकाल लिया। हाँ कश्मीर से। ज्यादातर लोग तो खुश हो रहे हैं यार सुन के इंडिया से आए। नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने सब कुछ कहा, बहुत लोगों ने बहुत प्यार करते हैं यहाँ पे लोग। अभी खाना वाना कहते कोल्ड ड्रिंक भी है। क्या बताया मुसाफिर? मेहमान नवाज लोग हैं यहाँ के। अभी मैंने वो जो चाट खाया, मैंने वहाँ पे पैसे नहीं ले रहे थे, मैंने मुश्किल से दिए। और जहाँ जहाँ भी जाता हूँ, बैठता हूँ, उनको जब पूछते हैं कहाँ से हो, तो जब पता चलता है कि मैं इंडिया से हूँ, और वो खाने वाने के लिए पूछते हैं, बैठने के लिए भी बोलते हैं, और बहुत सारा खाना भी खिलाया मुझे अभी यहाँ पे। अब तो फुल हो गया हूँ, कुछ भी नहीं खाया। वो तो दिख रहा है यार। पर अच्छा अभी तक है जो पॉजिटिव वाइब्स, लाइक यू नो, अच्छा इंप्रेशन जा रहा है मेरा, तो अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? क्या है सादा नान? आलू वाला, अलग वाला नान, ये वाला सादा वाला। मजे तो भाई उठा रहे यार, हर तरीके का खाना खा रहे हैं। ओके हो गया जी, आप यहाँ से ही हो? गुजरांवाला से ही हो? मुझसे खाया तो नहीं चाहिए, लेकिन ये देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है यार। ये कितने का भैया? एक ओके 50 का है। खीरा और कैरेट, ये सब्जियां देख के, ये ग्रीनरी देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और ये फ्रेश है, माल कड़क है। सही है। भाई को पता है घर वाले व्लॉग देखेंगे, वरना भाई सब कुछ खा लेते।
90% चीज़ें तो काफ़ी फैमिलियर लग रही हैं जो हम यहाँ पर भी देखते हैं, बाकी 10% क्या डिफरेंट है वो मैं आपको बताता हूँ एंड पे। आपको पाकिस्तान में फॉर्च्यूनर्स और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, ये आप सामने मेरे देख सकते हैं, फोर व्हीलर बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो मैं कह रहा था कि अभी पाकिस्तान को इलेक्शन हुए हुए कम से कम 10 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट है जो नहीं आया। जैसा मैं खुद रुक गया था कि यहाँ पे हालात खराब हो सकते हैं, लोग स्ट्राइक्स वगैरह करेंगे, अभी तक कोई भी स्ट्राइक वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अभी नॉर्मल चल रहा है। बाद में पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल अभी तक नॉर्मल है। और लोगों के बारे में बता देता हूँ आपको, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन लोगों को लेके इस ऑसम यार, लोग बहुत अच्छे हैं, लाइक हॉस्पिटेबल लोग हैं। मैं जब जब उनको बताता था कि मैं इंडिया कश्मीर से आया हूँ, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते थे, जूस पिलाया, खाना खिलाया, तो बहुत अच्छा लगा मेरा, लोगों को लेके बहुत ज़्यादा अच्छा रिएक्शन है। गाड़ियों का मैंने आपको बताया, गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं, लेकिन बाइक से जो मैंने एक ही बाइक देखी 70 है, वो मैं भी कहने वाला था, 120 है, 150 है, बाइक मैंने एक ही तरह की देखी, यही बाइक मैंने देखी है, बाकी मैक्सिमम गाड़ियाँ मैंने बहुत ज़बरदस्त गाड़ियाँ देखी है, जबरदस्त। ये मैं कह सकता हूँ महंगाई तो है क्योंकि गवर्नमेंट नहीं है और उसकी वजह से महंगाई तो होगी। लोग इस बात को लेके बहुत परेशान है कि यहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट है जो नहीं बन रही है, और उनका यही मानना है, वो मुझे जब जब कह रहे थे, उनको पता चल रहा था कि मैं इंडिया कश्मीर से हूँ, उनका यही मानना था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे देश को बहुत आगे ले गए, लेकिन यहाँ पे पीछे ही जा रहा है। बट ओवरऑल मेरा रिएक्शन पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान के लोगों को लेके, पाकिस्तान की गाड़ियों को लेके, फूड को लेके ज़बरदस्त। आपका कैसा है कमेंट सेक्शन आप लोगों को दिया है भर के बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान रखना। और ओके दोस्तों, तो क्या है ना कि बहुत ही खूबसूरत है यार, बहुत ही खूबसूरत, पहले तो व्लॉग ही सारा पूरा खूबसूरत था, ठीक है। एक बात मैं कहना चाह रहा था, मैंने आपको एक जगह पे कहा कि काफ़ी चीज़ें मुझे ऐसा लगा ना कि नॉर्मल है, जैसा यहाँ पे है बिल्कुल वैसा ही है। कुछ चीज़ें जो मुझे डिफरेंट लगी, एक तो बात करने का काफ़ी तरीका ना, आप वो कहते हैं ना कि उर्दू में, अगर वैसे तो हमने ज़्यादा बातें सुनी नहीं, ज़्यादा बात इनकी उतनी हुई नहीं किसी से, जितना ये पूछ रहे थे उतना ही बता रहे थे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा काफ़ी नरम लहजा, ठीक है। अगर गुस्सा भी कर रहे होंगे तो एक तो ज़बान ऐसी है कि वो गुस्सा नहीं लगता, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा लैंग्वेज का लगा, बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है। सभी लोग इनके साथ कितनी बढ़िया तरीके से बात की, और जितना भी खाना इन्होंने खाया काफ़ी देखने में यूनिक लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि देखा नहीं है, ठीक है, ना ही देखा है और ना ही खाया है, ठीक है। इनको देखने के बाद मेरा ना ऐसा मन कर रहा है कि हम भी कभी जाएं यार, बिल्कुल कितना अच्छा लगता होगा ना, यूनिक लगता होगा पाकिस्तान में ऐसे घूमना, जहाँ पर आप कभी गए नहीं हो, सिर्फ सुना हो आपने उस बारे में। जैसे ये देखने के बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई, मैंने ऐसा वीडियो आज से पहले कभी नहीं देखा जिसमें कोई बंदा ऐसे इंडिया का पाकिस्तान में गया। और एक चीज़ मुझे बहुत ही प्यारी लगी, जब इनको पूछ रहा था कोई आप कहाँ से, और ये कह रहे थे पाकिस्तान, और वो दौड़ के आ रहे थे इनके पास जाके बैठ रहे थे, और वो एक जगह तो पूछ रहे थे क्या खाओगे क्या पियोगे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यार। एक बात उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत की कि लोग तो हर जगह पर हैं, ठीक है, अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ये कंट्री है, ये कोई जगह है, ये कोई इलाका है, इसमें सभी मतलब बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं, यहाँ पर कोई भी बुरा नहीं है, या ये एक जगह है यहाँ पर सभी लोग बुरे हैं, यहाँ पर अच्छा कोई नहीं है, ठीक है। हर एक जगह पर, हर एक कंट्री में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, ठीक है। ये तो यहाँ भी है तो वहाँ भी है। मुझे क्या लगता है, जो इन्होंने भी एक बात की, लेकिन मैं वो बात कहना नहीं चाहूँगा, ठीक है, मुझे वो चीज़ सही नहीं लगती, मैं दूसरी चीज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा। जो भी माहौल है, जो भी टेंशन है इन दो मुल्कों के बीच में, इन दो कंट्रीज़ के बीच में, मुझे लगता है वो सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर, मुझे लगता है लोग बहुत ही प्यारे हैं, क्योंकि आज ये चीज क्लियर होगी, मतलब ये बिल्कुल बनावटी नहीं लग रहा था ना, कैसे ये गलियों में निकल गए, कैसे ये बिल्कुल नॉर्मल लोगों से मिल रहे हैं, नॉर्मल जो कारोबार कर रहे हैं, अपनी छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं, ठीक है। उनसे ये जब मिले तो उनका रिएक्शन देखकर काफी चीजें क्लियर हुई, ठीक है, लोग कितना प्यार से मिल रहे थे, बाकी जो है ऊपर लेवल पे जो है वो है, लेकिन ये चीज देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आप लोगों से किसी और वीडियो में। और जिसने भी ये वीडियो रेकमेंड किया था, मैं ना आगे से एक चीज करने वाला हूं, जो भी जिसके भी रेकमेंडेशन के ऊपर वीडियो आएगा उसका नाम हम जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है, वीडियो में। जैसे ये वीडियो बहुत ही बढ़िया था, पता नहीं किसने मेंशन किया था, लेकिन बहुत ही बढ़िया यार। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दे चैनल को, बाय।